ऐसा करो बाय। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, लूज मोशन भी हो रहा है। वैसे तो और सब तो चीज़ तो ठीक ही है, और जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, तो बस यही सब है, बाकी तो और सब नॉर्मल है, ठीक है। और आपको क्या व्लॉग में दिखाया है, कुछ खा पी नहीं रहे, मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का पीने का। पैंथर स्टेला सॉ में सब सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी इनको कमज़ोरी टाइप का लग रहा है, और दवा तो खा लिए हैं, खाना वाना तो देखिए अभी खाए नहीं है, खाएंगे बाद में। सोनिया को भेजे हैं सब्जी वब्जी लाने के लिए, और कुछ मेरा सामान था वो लाने के लिए, हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं, वही गई उसको भेजे हैं लाने के लिए। और कुछ वैसा कुछ है नहीं शूट करने के लिए अभी व्लॉगिंग में, अभी मेरा व्लॉग लंबा भी नहीं हो पा रहा है। करेंगे, अच्छा शूट करेंगे कुछ तो करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। और आप लोग कैसे हैं, और आप लोग के वहाँ पे मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या आप लोगों को दिखाए, व्लॉग में बताए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैर में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वेदा स्कूल जाती है, कितनी प्यारी लगती है, वो ऐसी बच्ची है कि वो स्कूल गई पहले दिन से ही, वो कभी रोई ही नहीं स्कूल जाने से कभी रोई ही नहीं वो। और सब बच्चे होते हैं रोते हैं, लेकिन वो बहुत खुश होकर जाती है, कभी नहीं रोती है, कभी कोई कंप्लेन नहीं करती, वो बहुत प्यारी लगती है। वो मन करता है उसको कितना प्यार करे, कितना खिला ले उसको। तितली भी आई थी, तितली के साथ भी वो खूब खेली थी वो। और बारिश तो हुआ था आज भी थोड़ा सा, बारिश तो रोज ही हो जाता है। आज हम एक मूवी देखे, मतलब ये मूवी आ चुकी थी बहुत पहले ही, लेकिन हम उसका ट्रेलर आज देखे थे, तो आज ही हम पिक्चर भी देख लिए हैं। काम चालू है उसमें, वो है ना, अरे यार उसका नाम क्या है, उसमें वो वाला है राजपाल यादव है, और उसमें वो है गोपी बहू, जो पुरानी वाली गोपी बहू थी वो है। मतलब वही स्टोरी है कि उसकी एक बेटी रहती है, वो खड्डे में गिर के मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर ये सब पिक्चर बहुत अच्छी थी, मतलब रियल स्टोरी पर आधारित थी वो पिक्चर। यही सब चीज़ है मूवी वूवी कोई चीज़। अगर हमको तो भैया, हम तो पंचायत का अभी एक ही एपिसोड देखे हैं, पंचायत तो मेरा फेवरेट है, हमको पंचायत देखना, अभी पूरा एपिसोड हम देख ही नहीं पा रहे हैं। और अभी हमको अविनाश द्विवेदी, मतलब संभावना सेठ का जो हस्बैंड है अविनाश, उसकी एक सीरीज मूवी आई है उस पर, जी पे, उस पर सोनाक्षी सिन्हा है, वो देखना है। तो क्योंकि हम उन लोगों का ब्लॉग भी देखते हैं ना, तो इसलिए एक तो भारती का ब्लॉग देखते हैं और एक उसका ब्लॉग देखते हैं, संभावना सेठ का, दिए दो लोगों का ब्लॉग देखते हैं बस। उनको अच्छा लगता है, भारती का ब्लॉग देखते हैं अच्छा लगता है, मज़ा आता है, हंसी आता है, और संभावना के ब्लॉग में भी हंसी आता है, वो दोनों लोग हंसाते हैं और उन लोगों का ब्लॉग देख के खुशी होती है। और संभावना के चार प्यारे प्यारे डॉग्स भी हैं, कोको, चेरी और कैंडी, छुंछा, ये लोग चार उसके डॉग हैं, तीन फीमेल और एक मेल। तो उन लोगों का देखते बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है अगर नहीं देखते हैं तो लगता है कुछ अधूरा सा है, इसलिए देख लेते हैं। और बस यही सब है, घर ही में रहना है,
आप घर में ही क्या हम दिखा दे और क्या क्या करते भैया, समझ में नहीं आता हमको। थोड़ा तबियत ठीक हो जाए तो कुछ दिखाए भैया। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे बारे में कुछ भी सोचे कुछ जो बोले, हमको अब किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, निगेटिव बोलना ही नहीं है, निगेटिव सोचना नहीं है। भैया हम क्यों दूसरे के बारे में सोच के अपना जिसको जो इंटरेस्ट आ रहा है मेरी लाइफ में वो अपना बोले ना करे, जिसको वीडियो भेजना भेजे, हम तो खुद ही भेज देते हैं अपना वीडियो सबको, एक साथ सबको वीडियो भेजते हैं अपना। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सारे लोग मेरा वीडियो लाइक ही करते हों, बहुत सारे लोग वीडियो देख के मूवी बनाते होंगे मेरा कि देखो कैसा वीडियो बनाती है और ये वो जो भी है, ठीक है यार, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जरूरी थोड़ा ना कि हर लोग की सोच एक ही तरह हो, ठीक है। सब लोगों का हक है अपनी लाइफ में अपना वो करना, तो ठीक है, बस यही सब है। मौसम तो ठीक ही है, बारिश हो जाता है तो उमस हो जाता है, अब वो गई है तो पता नहीं 50 घंटा लगा देगी आने में लग रहा है, देखते हैं, फोन करते हैं उसको। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, हमको ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, हमको मज़ा चाहिए ज़िंदगी में, एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट कब होगा, जब मेरे पति देव हमको घुमाने ले जाएंगे कहीं पे, देखे जाते हैं कि नहीं। रक्षाबंधन भी आने वाला है, 19 को रक्षाबंधन है। अभी हम शादी के बाद एक बार भी कोई भी त्यौहार नहीं मनाए हैं अपने मायके में, एक भी त्यौहार नहीं मनाए हैं, और एक ना रक्षाबंधन ना दिवाली ना होली ना कुछ भी चीज़ नहीं मनाए हैं, कुछ भी चीज़ नहीं। अब देखिए इस बार का रक्षाबंधन का क्या होता है, क्या मैं अपने भाई से मिल पाती हूँ कि नहीं, क्या मैं उसको राखी बांध पाती हूँ कि नहीं, क्या वो मुझे गिफ्ट देगा कि नहीं, नहीं देगा तो जबरदस्ती ले लेंगे गिफ्ट उससे हम। इस बार वो बहुत वो हल्के में निकल जाता है ना, तो देखिए इस बार तो कोशिश है कि वो अपने भाई को राखी बांधे, या तो वो आए या तो हम जाए, जो भी है। और अगर रक्षाबंधन में ये जाएंगे दीदी से राखी बंधवाने, तो निक्की भी दिल्ली में ही है तो उससे हम उसको राखी बांध देंगे हम, देखते हैं क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से। राखी तो बांधना ज़रूरी है, और हम राखी ऑर्डर किए हैं लेकिन आज तक वो पहुंचा नहीं है उसको, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया ऑर्डर किए हुए, लेकिन पता नहीं वो कौन सा स्पेशल ऑर्डर हो रहा है कि आज तक हुआ ही नहीं है स्पेशल राखी, सिर्फ 2 ही राखी ऑर्डर किए हैं उसमें भी वो नहीं आ पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमको। देखिए फ्रेंड्स तो नारियल पानी पी रहे हैं हम, क्या हुआ तुमको? कुछ भी खाते हैं ना तो इसको सोचता है इस तरह कर ले फिर ये हमको देगी, इतना मासूम बन के देखता है ना, देना पड़ता है। लेकिन नारियल पानी कैसे दे दे इसको, इस लड़के को, शैडो को अपने। नारियल पानी मेरा फेवरेट भी है, और प्लस डॉक्टर हमको नारियल पानी के लिए बोली भी है, मतलब नॉर्मली भी, तो हम पी लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। हमको कोई कुछ ना दे दिन भर, हमको सिर्फ ड्रिंक्स देते रहे, ड्रिंक्स में देते रहे तो हम ड्रिंक्स पे जी सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमको दिन भर खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए नहीं, मत दीजिए बाहर में जाइए, लेकिन हमको अगर ड्रिंक देते रहेंगे पीने के लिए ना तो हम पीते रहेंगे मस्त, हमको अच्छा लगता है। दिन भर अगर नारियल पानी पर टिका देंगे हम टिक जाएंगे नारियल पानी पर। तो ये है खाना मेरा, ये मूंग की दाल है छिलके वाली, ये भिंडी की सब्जी है, और ये रोटी है, और ये लोग ललचा रहे हैं इसको, ये तो बहुत ज़्यादा ही ललचाता है, ये लालची बच्चा है। तो इसी के क्यूट फेस के साथ आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, और अच्छे बन के, मतलब कि तबीयत सही करके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।